हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से, आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, ये टैबलू का वीडियो है। जी हाँ, टैबलू की हमारे पेन ड्राइव की सीरीज के वीडियो आप देख पा रहे हैं। लास्ट वीडियो में बताया था कि कैलकुलेशन क्यों जरूरत है, हम कैसे फॉर्मूला को कैलकुलेट करें, कि या फिर कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, ये हमने आपको लास्ट क्लासेस में समझाया था। आज हम बात करेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर, जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे टैबलू में। आज चलिए इस बात पे हम आपके साथ जिक्र करते हैं। तो मैं भी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, साथ में हम एक एक्सेल पे नया डेटा बनाते हैं। जी हाँ, एक नई डेटा। तो मैं एक एक्सेल फाइल यहाँ पे खोलता हूँ, नया एक्सेल फाइल, बिल्कुल आर डेटा है, इसी को खोल लिया मैंने। मैं डेटा करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डेट है, नेम है, सिटी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है। यहाँ पे हमने एक डेट बनाया, तो एकदम फटाफट मेरा डेटा यहाँ पे बन जा रहा है, आपको ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। और फिर यहाँ पे हम नेम ऐड करते रहे, सब लिस्टेड है, डबल क्लिक करते ही हो जाता है। यहाँ पे सिटी हमने पुणे डाल दिया, और इस पे डबल क्लिक करेंगे तो सिटी लिस्ट भी आ जाएगा। ये सारा मेरा कस्टम लिस्ट में ऐड होता है। लिस्ट आई थिंक नहीं है, यहाँ पे एडवांस में होता है लिस्ट। मैं प्रोडक्ट लिस्ट नहीं डाल रखा इसमें, तो प्रोडक्ट हटा देते हैं। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, 10.9 को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ट्रैक कर देते हैं, किया और इसको क्लोज करता हूँ। अब इसी डेटा को मैं अपने टैब, तो मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ प्रीवियस डेटा को, और फिर यहाँ डेटा सोर्स पे एक्सेल फाइल, आर डेटा को हमने लिया और सीट 3 को उठा के मैं यहाँ पुट कर दिया। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ओके, रैन बिटवीन बार बार चेंज हो रहा है ना, शायद इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। एक बार इसको क्लोज करता हूँ, तो रैंड बिटवीन लगा हुआ था, इस कारण हर सेकेंड नंबर चेंज हो रहा था, इसलिए नंबर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो अब यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको रिनेम कर सकते हैं हम यहाँ पे MRP। अब मुझे क्वांटिटी और MRP को मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, क्वांटिटी एंड MRP को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लाना। तो जिसके बगल में आप लाना चाहते हैं उसी पे जाइए, यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऊपर अपना ए डालिए जिसकी हमने लिख दिया टोटल, और
और यहाँ पे जो जिसके बगल में आप डालेंगे उसका लिस्ट यहाँ पे डाल देगा, इसको मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे एमआरपी है क्वांटिटी क्यू टी यहाँ पे क्यू क्यू हुआ है इसका नंबर है। तो यहां भी देख लीजिएगा जैसे कि हमने बताया था आपको, जैसे मल्टीप्लाई करके मैंने क्यू टी वाई किया तो यहाँ पे हैश दिख रहा है, हैश दिख रहा है मतलब कि नंबर है। तो जब मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम नंबर वाले फील्ड को ही नंबर वाले फील्ड में करेंगे, तो हैश लगा हुआ है इसका मतलब कोई नंबर का फील्ड है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाके यहाँ पे अपने डेटा टाइप को चेंज कीजिए। देन ओके, मुझे इसके टैग्स निकालना है तो फिर मैं यहाँ पे इसी में क्लिक करूंगा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे टैक्स। अब टैक्स मुझे मान लीजिए कि टोटल का 18% लेना है, 18% किया, अब यहाँ पे आ रहा है क्यों, क्योंकि एक इसमें टैलू में आपका परसेंट का सिंबल नहीं चलता है, मुझे यहाँ पे 0.18% डालना पड़ेगा या फिर 18 डिवाइड बाय 100 डालना पड़ेगा। देन अप्लाई, देन ओके, यहाँ पे आ गया टैक्स। अब मान लीजिए मुझे इसमें 2% का कमीशन निकालना है, इसी के बगल में जस्ट तो कैलकुलेटेड यहाँ पे हमने कमीशंस और यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे नीचे देखिए कैलकुलेटर वैलिड आ रहा है, तभी आप अप्लाई या ओके कीजिए, अदरवाइज एरर ही दिखेगा। फिर यहाँ पे टोटल हमें खर्चा चाहिए तो वापस इसमें हम आते हैं, ये कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे ग्रांड टोटल, और यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कि टोटल परसेंटेज टैक्स प्लस तीनों का हमने यहां पर इकट्ठा टोटल कर दिया, देन अप्लाई, देन यहां पे अपने हिसाब से अपना मैथमेटिकल फंक्शन होता है उसको आराम से कर सकते हैं। तो या फिर जो मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, चलिए मैं एक और डेटा यहां पे तैयार कर रहा हूं, मैं एक बार आर ओपन करता हूं इसको, एक नया सीन ऐड करता हूं। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल है, इसमें रेट है, यहां पे टाइम है, तो मैं यहां पे 10,000 से लेके 50,000 तक का अमाउंट डाल देता हूं। के लिए मैं यहाँ पे रैन फॉर्मूला से रैन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो ये 1% दे देगा, और रैन बिटवीन ऑल्सो टाइम के लिए भी वर्क करता है, तो मैं यहाँ पे मंथ, ये हमारा क्या है, नहीं साल ही है, 1 से लेके 5 साल डाल देता हूँ। मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ और वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि रैन बिटवीन वर्क नहीं करता है टैबलू में, इसलिए अब मैं अपने टैबलू पे आता हूं, यहां पे शीट एक ही आ रहा है तो बस यहां पे हम रिफ्रेश करेंगे, यहां पे शीट 1 आ गया, मैं डेटा 1 को यहां से हटा देता हूं, यहां पे हम अपना शीट 1 डालते हैं। यहाँ पे देखिए जब हमने डेटा 1 हटाया तो जो हमारा कैलकुलेटेड फील्ड था वो यहाँ पे दिख रहा है, तो क्योंकि कैलकुलेटेड फील्ड जो है ये डेटा का पार्ट नहीं था इसलिए नहीं रिमूव हुआ, इसलिए आप इसको डिलीट करना पड़ेगा 1 by 1। मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है, और मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। देखिए इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो करना चाहता हूँ। तो क्या है मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिक कहता है कि
यहाँ पे मुझे अमाउंट इंटरेस्ट नहीं, मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। तो यही पे सेम चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे पी को लेते हैं पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाई एन, मतलब कि 12 मंथली है इसलिए। उसके बाद पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई 12, तो इसको भी मुझे ब्रैकेट में रखना होगा। बोथ मार्क मेथड मेथड यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, बट दिस कैलकुलेशन एरर दिखा रहा है, मे बी यू मिसिंग द एंडिफायर। ये आता है वन, एक मिनट, वन बाय वन चलते हैं यहाँ पे। पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय 12। यहीं पे एरर आ गया। हमें इक्वल नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ इक्वल नहीं लगता है। इसका पावर ऑफ टी एंड यहां पे हम इसको अप्लाई करते हैं। नहीं है, कैसे हो गया अमाउंट 11,503 आर डिवाइड बाई 12 टी टाइम 12। ओके, मैं यहाँ पे पी हटा देता हूँ, तो क्या है नहीं देना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वन में वन पॉइंट कुछ आना चाहिए। वन यहां जाएगा आपका वन प्लस आर ट्वेल्व। ओके, उसके बाद यहाँ पे पावर ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय टेन पॉइंट आ गया, नाइन पॉइंट आ गया, ये तो जो है पी कर देते हैं। 11,048% 5 सालों में, तो ये रिटर्न आपके सामने रिजल्ट आ गया।
इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्रोथ है, मुझे ग्रोथ निकालना है, ग्रोथ का लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से यहां आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं। तो आज की इस टॉपिक में हमने बात की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। हम अगले वीडियो में बताएंगे वन बाय वन कैटेगरी के फॉर्मूले, जो कि जिसके लिस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दिया था लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज। उस सारे फॉर्मूले का हम वन बाय वन आपके साथ एक एक कैटेगरी का फॉर्मूला हम एक एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कभी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ, मुझे कॉल कर सकते हैं। Thank you. Bye-bye.